हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का 1 अक्टूबर 2018 का थर्ड शिफ्ट का मैथ और रीजनिंग। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। उससे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्म मिल सकता है। फेसबुक भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ में व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो और आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने का कोशिश किया जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, दो रूट आया है, रूट देख लेते हैं किसका किसका निकालना है। 4.85, ठीक है, और दूसरा है 2590। ये दोनों का रूट निकालना है आपको। 4.84 है यहाँ पर, ठीक है, तो 4.84 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि 484/100 कर दीजिए, और 100 रूट से बाहर जाता है तो क्या हो जाता है, 10। और 484 किसका रूट है, 22 का है। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। अगर आपको नहीं है तो आप करके देख लो। देखिए, 4444 ये क्या हो गया, 484। तो यहाँ पर क्या हो गया, 22 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.2 आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ये सबको पता होगा, ऑप्शन से ही आप कर सकते हो डायरेक्ट। अगर 2.2 को 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.84 आ जाएगा। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको रूट इसका निकालना है। तो यहाँ 25 है, तो 25 से एक बाहर आ गया, 5। और 90 को ऐसा तोड़ना है कि जो एक नंबर में इंक्रीज हो, तो 9 और 10 तोड़ देते हैं, 9 और 10। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोवेस्ट वाला को ले लेते हैं, 95। अगर उसी तरह आपको यहाँ पर, तो हम आपको बता दिए, चलिए अब अगर आपसे कोई 85 का स्क्वायर पूछ ले तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 9 × 8 क्या हो जाएगा, 72। उसी तरह हम आपको 95 का स्क्वायर पूछ लें तो 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का क्या होता है, 25, और 9 में क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 हो गया। मतलब कि जो दिया हुआ है उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 25 का आपसे कोई पूछता है तो आप 625 बोल देते हो, मगर देखो कैसे होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 2 है तो इसमें एक बढ़ा के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 625। ठीक है, आप किसी का 75 का कोई पूछे तो 56/25, यदि 65 का पूछे तो 42/25 डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो। ये हम पहले भी बता चुके हैं और इस पर दो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, जो 85, 75, 95, ये जो मतलब कि 85, 75, 70, 65, इस पर दो क्वेश्चन ऑलरेडी, ये तीसरा क्वेश्चन आया है आज। चलिए देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी काम का 1/3 वर्क करने में 5 दिन लेता है, कितना डे, 5 दिन। ए किसी काम के 1/3 काम करने के लिए 5 डेज लेता है। बी उसी काम को 2/5 काम करने के लिए, बी उसी काम का 2/5 भाग करने के लिए कितना लेता है, 10 दिन लेता है। देखिए, ए किसी काम का 1/3 भाग करने के लिए 5 दिन लेता है, बी उसी काम का 2/5 भाग करने के लिए 10 दिन लेता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। 1/3 काम को वो कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो टोटल काम अगर एक करना हो तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, टोटल काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। अब देखिए, 2/5 काम कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो टोटल काम कितना करेगा, 50/ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ÷2, ये हो जाएगा 25। मतलब देखिए, टोटल काम एक है तो एक का 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में, तो एक काम करेगा 15 दिन में। एक का 2/5 काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक काम करेगा 25 दिन में। मतलब कि कहने का मतलब है कि ए उस काम को 15 दिन में करेगा और बी उस काम को 25 दिन में करेगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया, 75, 15 से कितना मर्द में जाएगा, 75, और ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 3। सब 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75। तो ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए, 8 काम किए। टोटल काम कितना करना है हम लोग को करवाना है, ये लोग से 75 काम करना है ए प्लस बी को, और एक दिन में 8 काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 3/8 डे में ये लोग पूरा काम कंप्लीट कर लेगा।
देखिए इस टाइप का पहली बार क्वेश्चन आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिए, क्वेश्चन आसान ही आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन आया है टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए कोई आदमी है जो 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड ए पर्सन इन 10 मिनट, यदि कोई आदमी है वो टहलने चालू करता है अपने जो नॉर्मल स्पीड से चलता है उसके 4/5 भाग से जब वो चलता है यूजुअल स्पीड के, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 मिनट लेट। वर्किंग 4/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड ए पर्सन इज 10 मिनट लेट टू हिज ऑफिस। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी गति से डेली जाते हो मगर उस गति के 4/5 भाग से अगले दिन जब जाते हो तो 10 मिनट के लिए आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? यूजुअल टाइम टेक टू कवर, यूजुअल मगर आप डेली जो टाइम लेते थे वो क्या लिए और आज क्या लिए, वो दोनों में करना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम फिर से आपको समझा देते हैं। आप डेली ऑफिस जाते थे, मान लो एक टी समय पर जाते थे, मगर आज जब आप गए तो यूजुअली 4/5 समय लिए और आपको 10 मिनट लेट हो गया। ठीक है, अगर आप डेली मान लीजिए 4 पर जाते थे तो आज 5 पर गए तो क्या हो गया? आपको लेट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। देखिए डेली आप 4 मिनट में जाते थे, अब 5 मिनट में गए आज, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 मिनट। और यही 1 मिनट जो है ये 10 मिनट के लेट के बराबर है, मतलब कि यही 1 मिनट, डेली आप ऑफिस 4 मिनट में पहुंच जाते थे घर से चलते चलते, अब 5 मिनट में पहुंच रहे हो, तो आज कितना लेट हुआ? 1 मिनट का लेट हुआ। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। मान लीजिए 4x और 5x, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? x है। और यही x 10 मिनट के बराबर है, कहने का मतलब ये है। तो यही x 10 मिनट का बराबर है, तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि उसका यूजुअल टाइम क्या था, डेली वो कितना बजे कितना मिनट लगता था? 40, 50, 60 और 70। इसको बहुत लोग बहुत अलाय बलाय तरीका से क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, जो लेट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए कम से, वो उसका यूजुअल टाइम हो गया, और जो अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो लेट वाला टाइम हो गया, उसका काम खत्म। ज़्यादा तामझाम नहीं होता ये सब क्वेश्चन में, आप एक्स ओक्स के चक्कर में एकदम नहीं पड़िएगा, ये सब सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए क्वेश्चन है sec θ + tan θ इक्वल टू 4 और sec θ - tan θ इक्वल टू क्या होगा? तो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी याद रखिएगा, हमेशा ये नोट में लिख लीजिए। ठीक है, sec θ और + tan θ इक्वल टू 4 दिया हुआ है, चाहे p दिया हुआ है, ठीक है, तो sec θ और -tan θ क्या होता है? 1/p होगा हमेशा। तो आपको कुछ नहीं करना था, sec θ - tan θ, तो ये 1/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ये जीवन भर काम आएगा और बड़े क्वेश्चन में भी ये काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 1 1/10, 1 1/12, 1 -1/14, 1 -1/16, ये क्वेश्चन आया है आज, 10 12 14 16। ठीक है, क्वेश्चन आसान था इसलिए याद रह गया लड़का को, तो 9/10 हो गया, ये कितना हो गया? 11/12, ये कितना हो गया? 13/14, और ये कितना हो गया? 15/16। आपको सिर्फ कट कुट करना है और आंसर लिखना है, तो देखिए पंक्तियाँ 15, 5 2 के 10। ठीक है, और यहाँ से 3 3 9, 3 4 12, अब कितना हो गया ऊपर में? 33 × 39 / 8 × 14 × 16। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट सेशन में लिख के पॉइंट में बताइए कि कितना आ रहा है, कितना पॉइंट है या फिर नॉर्मल आ रहा है, कट जा रहा है पूरा, तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है और ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे इसको भी, इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। कि देखिए कोई ए है जिसका इफिशियंसी जो है वो 3 गुना है बी के, ए का इफिशियंसी 3 गुना है बी के, तब किसी काम को करने में, ठीक है, तब ए जो है
किसी काम को करने में 60 दिन कम लेता है 20 से, ठीक है। ए किसी काम को करने में 60 दिन कम लेता है, ए किसी काम को करने में 60 डेज लेस देन बी, ए टेक 60 दिन लेस देन बी। मतलब अगर ए किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है तो बी उसको एक्स माइनस 60 डे में कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या है, ए बाई बी इक्वल टू 3/1। मतलब ए एक घंटा में 3 काम कर देगा तो बी एक घंटा में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, ठीक है। तो अब बताइए कि ए जो है बी जितना काम कर रहा है उतना ही देर में वो क्या कर रहा है, 60 जितना ए काम कर रहा है बी उतना ही देर में 60 कम काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस ही तो है, ये दो जो डिफरेंस है इफिशियंसी का यही तो 60 के बराबर है। तो एक बराबर क्या हो गया, 30, ठीक है। तो एक देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि अगर एक बराबर 30 है तो एक कितना दिन लेगा, 90 दिन, ये नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी ज़्यादा है। अगर आपका काम करने का क्षमता ज़्यादा है तो आप दिन कम लोगे। अगर मान लो कि आप एक दिन में एक मिनट में 5 ईंटा उठा रहे हो और कोई एक मिनट में 2 ईंटा उठा रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो 2 ईंटा उठाएगा वो आपसे कम दिन में काम को समाप्त कर लेगा, नहीं। तो जो इफिशियंसी होता है, जो इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता होता है, उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, वर्क होता है। तो ए बाई बी क्या हो गया, अगर वर्क का देखना है तो वर्क हो गया 1/3। मतलब अब देखिए एक काम करने में कितना लग रहा है, 1/30 आया है। देखिए फिर से हम आपको समझाते हैं, ए का इफिशियंसी जो है 3 गुना है बी का, और ए को किसी काम करने में बी से 60 दिन कम लेता है। बी किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, मगर ए किसी बी किसी काम को अगर 70 दिन में करता है तो ए उस काम को 10 दिन में कर देता है, क्योंकि 60 दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो देखिए जो इफिशियंसी है यही दो तो 60 के बराबर है, तो ए की इफिशियंसी कितना के बराबर हो गया, 30 के बराबर। तो इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, वर्क होता है। तो अब ए बराबर 1 है तो 1 का क्या वैल्यू है, 30 डेज, ए 30 दिन लेगा और बी 90 दिन लेगा, ठीक है। और यहाँ से हो गया 90, 30 90 और ये 1 हो गया। तो ए प्लस बी ये कार्य कितना दिन में करेगा, तो 90/4, तो ये क्या हो गया, 45/2, कितना हो गया, 45/2। तो अब 2 दुनी के 4 22, 1/2 दिन में काम कर लेगा। अब क्वेश्चन तो ए प्लस बी का पूछ लिया गया है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि ए कितना दिन में काम करेगा, 30 दिन में, और बी कितना दिन में करेगा, 90 दिन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन का देखिए अब हम आपको दूसरे तरीका से इसको समझा देते हैं, 30/60, दूसरा 60/90, तीसरा 30/90 और चौथा 40/120। ये ऑप्शन दिया होगा जो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए हैं उसका, ए किसी काम को उसका 3 गुना एफिशिएंसी है बी से, और जो ए माइनस बी है मतलब ए किसी काम को 60 दिन कम में कर देता है बी से, ठीक है। बी जितना दिन में करेगा उसके 60 दिन कम में ए कर देगा, ठीक है। ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं ए किसी काम को 60 दिन कम में कर देता है बी के। अब देखिए यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो क्या है, ये डेज का रेशियो है, ये कितना दिन में काम करेगा ए और बी। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा कि ए अकेले कितना दिन में काम करेगा और बी अकेले कितना दिन में काम करेगा इसी क्वेश्चन में, तो अब देखिए ऑप्शन के अनुसार कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 3:1 का रेशियो है, तो वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा, वर्क का रेशियो हो जाएगा 1:3। बस ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में 1:3 आ रहा है, ये आ रहा है 1:2, ख़त्म, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये देखिए ये 1:3 आ रहा है, आपका आंसर यही हो गया, ठीक है, सिंपल सा हो गया। अगर आपको ए और बी पूछा गया तो आप डायरेक्ट जो इफिशियंसी दिया हो गया उसको पलट कर और ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, वही आंसर होगा, कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब एक सर्कल का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों और आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। सर्कल का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक सर्कल है जिसके अंदर एक वर्ग दिया हुआ है, मतलब एक स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर दे दिया, ठीक है। इसको चक्रीय बोल सकते हैं, चक्रीय ट्रायंगल जो भी, ठीक है, चक्रीय बोला जाता है इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है, चक्रीय वृत्त जो भी है, ठीक है आप समझ गए, चक्रीय इसको बोला जाता है, इसको साइक्लिक इंग्लिश में बोला जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोला जाता है, ए बी सी डी। सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी बता देते हैं आपको, उसके बाद जो आज क्वेश्चन आया उसको करवाएंगे। प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी चक्रीय में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल बी प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस डी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180, ये होता है इसका प्रॉपर्टी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एंगल ए जो है ये 50 दिया हुआ है, ये 50 क्वेश्चन में दिया हुआ था, एंगल डी जो है ये 70 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ था, तो आपसे पूछा क्या गया था, एंगल बी निकालना था और एंगल सी निकालना था। तो एंगल बी निकालना है तो 180 में से 70 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये कितना आ जाएगा एंगल बी 110, तो एंगल बी 110 आपका आंसर हो गया, और 50 180 में से 50 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 130, ठीक है, तो इसका क्या हो गया 130 आपका आंसर हो गया, 110 और 130 आपका आंसर हो गया। चलिए एक और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है, जो रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन आता है वही है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं आपको, आप लोग इसका सॉल्व कीजिए और कमेंट सेशन में बताइए, अगर नहीं होगा सॉल्व तब हम आपको सॉल्व करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का बहुत ही हर दूसरे दिन ये क्वेश्चन आ चुका है, हर दूसरे दिन, ठीक है, कहीं पर यहाँ पर ए प्लस बी के 10 के जगह 5 दे देता है, यहाँ 20 दे देता है, कभी 10.8 दे देता है, कभी 3.2 दे देता है, तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, बस केवल नंबर चेंज होता है, 10 के जगह 5, 15 के जगह 20, 45 के जगह 90, यही हो रहा है और क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए अब रीजनिंग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, एक रीजनिंग का सीरीज का पहले दो क्वेश्चन देखते हैं, 13:19 लिखा हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाया है एक सीरीज का, मगर जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा उसका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 13:19:21 तो डैश में क्या होगा ये आपको बताना है, ऑप्शन दे देते हैं हम, 41, 43, 51, 62 ये ऑप्शन है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखें कि 13 में कितना जोड़े, ठीक है 13 में 6 जोड़े, इसमें 6 जोड़ रहे हैं तो कोई आ रहा है, कोई भी ऑप्शन में से नहीं है, तो मतलब इसमें जोड़ घटाव का काम नहीं है, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर का काम होगा। तो अब इसको हम क्या किए कि देखिए इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, 13 का स्क्वायर क्या लिखे 169, जैसे ही 169 लिखे तो हम देख रहे हैं कि 1 और 9 इसमें मौजूद है और 6 को हटा दिया गया है, और 21 का स्क्वायर क्या लिखे 441, तो जैसे ही इसमें देखे 41 ऑप्शन में है और इसमें 4 को हटा दिया गया है तो 41 आपका आंसर हो गया। तो आप चीज़ों को जैसे ही आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन आए तो आपको चार ही चीज़ करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, बाकी किसी में दिमाग आपको लगाना नहीं है, एकदम आसानी से कर लेना है। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन आया है, ये तो सारे लोग को पता होगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले 18 तारीख वाले में आ चुका है, 168 बराबर क्या होगा, ठीक है तो 168 बराबर क्या होगा ये आप लोग ऑप्शन में बताइए। देखिए ऑप्शन हम दे देते हैं, 215, दूसरा है 225, तीसरा है आपको 290 और चौथा है 295, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन को, देखिए इसको 48 देखने से आपको याद आ रहा है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 48 हो जाएगा। इसको देखने से आपको याद आ रहा होगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है और इसमें एक जोड़ दिए तो 122 हो गया। 169 को देखने से याद आ रहा होगा कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है और इसमें से एक घटा दिए तो 168 हो गया। तो कहने का मतलब है कि को प्राइम नंबर ले रहा है, जो खुद से डिवाइड हो और वो एक से डिवाइड हो
जो अपने आप को अपने आप से डिवाइड करे और एक से डिवाइड हो, जैसे 7 के बाद कौन संख्या ऐसा है जो को प्राइम नंबर है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कौन सा होता है, तो 13 के बाद 17 होता है, 14 डिविजिबल है, 15 डिविजिबल है, 16 डिविजिबल है, 17, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो देखिए यहाँ पर माइनस किया था, यहाँ प्लस किया था, तो इसमें माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 290। तो आंसर 3 हो गया इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन आसानी दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी पूछ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया है, इंडिया, न्यू दिल्ली और रेड फोर्ट। अब बताइए कि पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ये, और चौथा है आपको ये, इसमें से कौन होगा। देखिए न्यू दिल्ली के अंदर ही क्या होगा, रेड फोर्ट, और न्यू दिल्ली किसके अंदर है, मतलब इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली। तो इसमें देखिए इंडिया ये है, न्यू दिल्ली ये है, रेड फोर्ट ये है, तो इसमें इसके इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली है पूरी तरह से, नहीं है, मगर न्यू दिल्ली तो पूरी तरह से इंडिया के अंदर है। तीनों अलग अलग हैं क्या, इंडिया अलग है, न्यू दिल्ली अलग है, रेड फोर्ट अलग है, नहीं। देखिए इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है, हम लोग का न्यू दिल्ली है, और न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, रेड फोर्ट है। तो 100% आंसर 3 हो गया और 4 भी गलत हो गया। क्वेश्चन एकदम जैसा आपको पहले पूछा गया था उसी वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जिसमें आपको कोई दिक्कत हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है मेल, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फीमेल और टीचर, हालांकि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए डायग्राम देख लेते हैं, दूसरा देखिए, तीसरा, तीनों अलग हैं और चौथा एक दूसरे से और एक अलग है। तो देखिए जो मेल और फीमेल होंगे वो तो 100% अलग होंगे, मेल कभी भी फीमेल नहीं हो सकता और फीमेल कभी भी मेल नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए अगर ये मेल है इसमें क्या है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये फीमेल कभी भी मेल नहीं हो सकता और मेल कभी भी फीमेल नहीं हो सकता, ये गया। तीनों अलग नहीं हो सकते, देखिए मेल कभी भी फीमेल नहीं हो सकता, ठीक है, मगर मेल भी टीचर हो सकता है और फीमेल भी टीचर हो सकता है, तो ये भी गलत है। मगर इस ऑप्शन में देखिए अगर टीचर हम बीच वाला को रख देते हैं और मेल को रख देते हैं यहाँ और फीमेल को रख देते हैं यहाँ, तो देखिए मेल कभी भी फीमेल नहीं है, ठीक है, कुछ मेल जो हैं वो टीचर हैं और कुछ फीमेल जो हैं वो भी टीचर हैं, मगर मेल कभी भी फीमेल नहीं है, तो फीमेल नहीं है तो वही आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए करने का तरीका होता है, आपको पता होगा कि अभी 29 और 30 को एग्ज़ाम नहीं था, मगर बहुत सारे लोग क्या किए हैं 29 और 30 को भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, तो पता नहीं वो कहाँ से प्रोवाइड करवाएं ये तो हमको नहीं पता, मगर इतना 100% पता है कि 29 और 30 तारीख को एग्ज़ाम नहीं था कहीं भी पूरे इंडिया लेवल में, क्योंकि साइट पर आपको डेट मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, जैसे कल भी कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि बहुत सारे लोग फेक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ठीक है आपको आप अच्छी तरह से अपना भला समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है 8 को 3 से डिवाइड किया गया तो 4 हो गया, 7 को 6 से डिवाइड किया गया तो 2 हो गया, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 डिवाइड है मगर 8 इंटू 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 * 24, सबसे आसान क्वेश्चन, यहाँ 4 लिख दिया, 7 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 * 6 = 42, तो ये 2 लिख दिया, और 9 * 5 करेंगे तो 9 * 5 = 45, तो ये क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ नहीं था कि आप नहीं कर सकते हो। अब देखिए एक आया है मिरर इमेज से क्वेश्चन, मिरर इमेज से क्वेश्चन, तो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज आपको निकालना था, तो एक्स का इसी तरह हो, देखिए ये गलत हो गया, सबसे जो लास्ट में होता है सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, ये हो गया आपको, और ई हो गया यहाँ पर और एक्स हो गया यहाँ पर, इसी का अगर वाटर इमेज पूछ ले नेक्स्ट शिफ्ट में तो आप क्या करोगे, ये हो गया ई,
ये हो गया आपको वाटर इमेज। तो क्वेश्चन आसान पूछ रहा है, मिरर इमेज पूछा है, वाटर इमेज भी पूछा है, फिगर हमको नहीं पता है वाटर इमेज का, और एक आपको एंगल से पूछा गया है टाइम का, कुछ भी टाइम दे देगा और एंगल पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं 11/2m इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। अगर आपको मान लीजिए 9:25 पर पूछा तो ये मिनट हो गया, मिनट के जगह मिनट पूछ के दीजिए पुट कर दीजिए, और आवर के जगह आवर पुट कर दीजिए, और प्लस माइनस कीजिए, और क्वेश्चन में इसको 9:25 का आप लोग क्या कीजिए कमेंट सेशन में लिख के बताइए, ये आ सकता है क्वेश्चन। और देखिए टाइम नहीं पता था लड़के को क्या टाइम आया था, मगर वो बताया कि एंगल से एक क्वेश्चन आया है कि मिरर इमेज का मतलब कि क्लॉक का एंगल निकालना था। तो आपको कोई भी टाइम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए आराम से करते रहिए।